नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस मुस्कुराती हुई सुबह में। सचमुच आप सभी के मुस्कान भरे चेहरे देखकर मेरा दिन बन जाता है। भले इन आँखों से मैं आपकी मुस्कान को नहीं देख पाता, लेकिन मन की आँखों से ज़रूर देख पाता हूँ कि सब रंग का आप सब कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये हमारा प्यारा सा परिवार है, जिसमें एक दूसरे से मिलकर चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है। और सचमुच ये मुस्कान हमेशा बनी रहे, ये नितांत आवश्यक है। वैसे भी जब कभी कोई हमारा फोटो खींचता है तो पहले यही कहता है, स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। सोचिए, थोड़ी देर की जो हमारी मुस्कान है उस फोटो को कितना सुंदर बना देती है। तो यदि जीवन भर सतत हम मुस्कुराते रहें तो हमारा जीवन कितना ना खूबसूरत हो जाएगा। और वैसे भी मुस्कुराते हुए चेहरे ही हमें भी प्रिय लगते हैं, और हमारा भी मुस्कुराता हुआ चेहरा औरों को प्रिय लगता है। तो आप सदा मुस्कुराते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो है ही मुस्कान पर। मुस्कान हर नए रिश्ते का शुभ आरंभ है। कोई भी नई घटना की शुरुआत करने से पहले हम मुंह मीठा करते हैं। मीठा और उसकी मिठास वो एहसास है जो अपने मधुर स्वाद से किसी भी परिस्थिति को मधुर और मनोरम बनाए। जब दिल की मिठास चेहरे पर अपनी अभिव्यक्ति करती है तो उसे मुस्कान कहते हैं। किसी से दोस्ती करनी है, किसी के मन के करीब जाना है, किसी से रिश्ता जोड़ना है, सिर्फ एक मीठी मुस्कान ही काफी है उस नए रिश्ते का श्री गणेश करने के लिए। किसी की तरफ सरलता से मुस्कुराना माना सहयोगिता का हाथ बढ़ाना, किसी को अपनेपन की अनुभूति कराना और उसको भी एक मौका देना आपकी तरफ अग्रसर होने का। जब जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं तब हम उस परमात्मा के पास जाते हैं ना थोड़ी राहत के लिए। वो राहत और कुछ नहीं बल्कि उनकी हर्षित मुख छवि और मीठी सी मुस्कान ही है। इसी प्रक्रिया से जब हमारी मुस्कान औरों को स्पर्श करेगी तो नवीनता के रूप में नए रिश्ते का फूल खिलेगा। मित्रों, नॉर्मन कजिन्स का नाम आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध अमेरिकन राइटर, जर्नलिस्ट और प्रोफेसर थे। एक बार डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि 6 मास का समय ही आपके पास है। कुछ बहुत ही गंभीर बीमारी उन्हें हो गई थी जिसमें 500 में से कोई एक ही बच पाता था। 6 मास का उन्हें समय दे दिया गया। अब वो बहुत दुखी, निराश, कि जीवन में बहुत सपने थे, आकांक्षाएँ थी, अब पूरी नहीं होंगी। निराशा में और भी दर्द बढ़ता चला गया, रात की नींद उड़ गई। एक विचार उन्हें आया कि जब इस विचार से कि मैं मरने जा रहा हूँ, मेरा दर्द बढ़ रहा है, क्यों ना मैं अपनी खुशी से, अपनी मुस्कान से अपने दर्द को कम करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये ठीक विपरीत हैं एक दूसरे के। उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया, मुस्कुराना शुरू कर दिया, खुशी बांटनी शुरू कर दी। और आश्चर्यजनक रूप से अब उन्हें अच्छी नींद आने लगी और दर्द भी कम होने लगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस खुशी ने, इस मुस्कान ने, जो 6 मास का उन्हें समय दिया गया था, वो 6 मास नहीं, 6 साल नहीं, लेकिन 20 साल तक जीवित रहे। और उन्होंने एक सुंदर सी किताब भी लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, जिसमें उन्होंने इसका वर्णन किया कि कैसे हमारी मुस्कान, कैसे हमारी खुशी हमारे दर्द, हमारी बीमारी को दूर कर देती है। तो क्यों ना शारीरिक रूप से हम तकलीफ में भी हों, लेकिन हम अपनी मुस्कान को, अपनी खुशी को बनाए रखें ताकि हमारे दर्द गम दूर होते चलें। आइए चलते हैं इसी खुशी के साथ अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने एक बहुत ही कॉमन टर्म सुनी होगा, निमोनिया। यूजली बच्चों में 2 साल की कम उम्र, 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों में और 65 साल से अधिक उम्र के एडल्ट्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है। वो तो किसी को भी सकता है, यंग एज में भी हो सकता है दोस्तों। और अभी आपने कोविड के टाइम देखा, कोविड निमोनिया, बायलेटरल कोविड निमोनिया, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो वो तो कोविड 19 वायरस की वजह से हुआ था,
क्योंकि वैसे ये निमोनिया जो है हमारे जो लंग्स जो है हमारे बहुत छोटे छोटे एल्वुलाई से बने होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें उसके अंदर की लेयर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें फिर वो फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाती है और खांसी के साथ फिर वो पस या इसे फ्लेम कहते हैं, बलगम है, वो निकलता है, कई बार सफ़ेद रंग का, कई बार पीले रंग का, कई बार जैसे जंग जैसे होता है ऐसा निकला है, ग्रीन कलर का निकलता है। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फीवर अगर आपको आ रहा है 38-39 डिग्री या आप जैसे कहें कि 100 से ऊपर अगर टेम्परेचर है और साथ में छाती में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस में आपको ब्रीदिंग में ऐसा लग रहा है कि कुछ रुका हुआ है, कई बार एक पूरा का पूरा लंग, पूरा का पूरा आधा लंग सिलोबार निमोनिया कहते हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनियाज हो सकते हैं जहाँ बहुत क्राउडेड स्पेसेस होते हैं, जैसे कि जैसे स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया कहते हैं, और यूजली जो उनको डायबिटीज़ होती है, कोई कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं या HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कॉमन इन्फेक्शन भी, गले के इन्फेक्शन जो होते हैं, थ्रोट के जो नाक के इन्फेक्शन, वो भी फेफड़ों में जल्दी निमोनिया कर देते हैं, उनको लंबा समय तक बीमारी रहती है। और जो स्पेशली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको अधिक चांस होते हैं, क्योंकि उनको और भी बीमारियां होती हैं साथ में, तो उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया वो डिफ़िकल्ट, उनको काफ़ी मुश्किल होता है ठीक करना, क्योंकि वो काफ़ी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। और कुछ जो निमोनियाज होते हैं एस्पिरेशन निमोनिया, स्पेशली जैसे उल्टी है, आपने अगर निगल ली सुत सुते आपको, या फिर दौरा आया, एपिलेप्सी का दौरा आया और निगल गया, बेहोशी हो गई, उसमें आपको जो अपनी अंदर के पेट के जो कंटेंट्स होते हैं या सिक्रीशंस वो आप फेफड़ों में ले जाते हैं, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। दोस्तों निमोनिया कई तरह का हो सकता है, किंतु इस तरह का जैसे इसका इलाज यही है दोस्तों, इसमें हम समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, एक्सरे कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, बलगम टेस्ट कराएं और तुरंत इसका इलाज करें, इसको डिले ना करें। और स्पेशली आपके बच्चों को हुआ या 60 साल की उम्र के ऊपर के एडल्ट्स को है, सीनियर सिटीजन्स को, तो आप इसमें, और अगर आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है या कैंसर की दवाई खा रहे हैं, तो आप इसकी केयर इमीडिएटली करें। ओम शांति। मित्रों कहते हैं कि मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे कभी भी निराशा, उदासी या क्रोध के आंसुओं में बहने ना दें। सचमुच बहुत खूबसूरत सी बात है ना। जीवन में बातें आती और जाती रहेंगी, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान के इस हस्ताक्षर को जो मुस्कान के रूप में हमारे चेहरे पर है, इसे हम कभी ना जाने दें। क्योंकि मुस्कान है तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए और समस्या को दूर भगाइए। मुस्कुराते रहेंगे तो समस्या को भी ये बात लगेगी कि मैं इतना प्रबल हूँ, लेकिन फिर भी इसकी मुस्कान कैसे नहीं जा रही है, और वो समस्या भी दूर होती चली जाएगी। और ऐसी मुस्कान लिए हर बार हमारे साथ आते हैं हमारे विशिष्ट जन, अपनी विशेष बातें लेकर के। आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ इस मीठी मुस्कान के साथ अपने अनुभव लेकर कौन है। योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ विद द साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। ब्यूटीफुल सर। सो इट कंटेन्स मेबी समासना, प्राणायाम, मुद्रा, स्पंदास, क्रिया, meditation, the most important. Yes, sir. And that is the whole essence of that. According to Patanjali, yoga is to gain mastery over the mind. Yogaha, chitta vritti nirodaha, he said. Right. In that mastery over the mind, there are two aspects. One is to speed up the mind, faster mind, quicker mind, sharper mind, brilliant mind, dynamic mind, faster, faster, faster. Right, sir. Calm down the mind, silence the mind, pacify the mind, peace and silence and calming. These are the two wings of mastery. Unfortunately, in our entire education system, we have developed only the first one to make our children very sharp, intelligent, brilliant, and so on. And unfortunately, the second dimension has been so much neglected. As a result, there is a big imbalance that has taken place, right, which is the root cause for all the challenges that we face today in the modern era of science and technology. Right. Therefore, Raja Yoga meditation and the real dhyana techniques really emphasize this aspect of calming up the mind. The peace, calmness has to be inculcated in our children, right, and they are doing so wonderfully well. And Brahma Kumaris all over the world are spreading, and it's such a delight to see that thousands and lakhs of people are coming forward with the meditation technique, and it is the real panacea for bringing about the dimension. When the mind gets into the stage of mastery, then the mind will become calm, silent, healthy mind,
and that will bring the healthy body as well. It has been such a great honor and delight to be here in this beautiful campus that they have been doing such wonderful work and made so much of contribution to the people around, in the villages, in the surrounding areas and all that. And particularly, it is well known that how the reversal of the heart disease can take place using the lifestyle change modalities that the Raja Yoga Meditation offers. And I was so fortunate that I met Dadi Janaki Ji. I first met her in Kanyakumari when she visited in 1976. Again, yesterday I had the opportunity to sit with her and take her blessings for the big program that is coming up in the country, Diabetes Control Program. मित्रों कहते हैं कि यदि किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज यदि किसी रोते हुए को हंसाओगे तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सुंदर कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, रोते हुओं को हंसाना, जो दुख में हैं उन्हें सुख प्रदान करना, जो निराश हो चुके हैं उनके अंदर आशा का दीप जलाना, जो असफल हो रहे हैं उन्हें सफलता का मार्ग दिखाना, आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करना, ये पुण्य कर्तव्य सचमुच कितना महान है। और इसी पुण्य कर्तव्य को, इसी सेवा कार्य को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जयपुर सेवा केंद्र के कमल अपार्टमेंट में प्रभु मिलन का सुख प्रोग्राम का आयोजन गुलाब उद्यान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जी, फिल्म अभिनेता जॉ जॉ जी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से की गई और फिर दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही प्रभु मिलन का सुख कैसे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं वह भाई बहनों ने अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा साझा किया। उसके पश्चात बी के आशा बहन ने सभी को राजयोग का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम के अंत में गुलाबो सपेरा जी ने अपनी कला को दर्शाते हुए राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य कालबेलिया के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। मित्रों सबरंग परिवार की एक ही कामना, ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, बस एक ही कामना है ईश्वर से, आप सबके चेहरे पर मीठी मुस्कान चाहिए और ईश्वर जरूर हमारी इस कामना को पूर्ण करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि किसी चलते हुए व्यक्ति ने एक चैलेंज कर दिया था कि हर कोई मुस्कुरा नहीं सकता, मुस्कुराने के लिए दिल की अमीरी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दिल के बहुत 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 अमीर हैं, जो न केवल अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाते रहते हैं। तो यही पुण्य कर्म करते रहें, खुद भी मुस्कुराएं और औरों के चेहरों पर मुस्कान लाते रहें। हमारी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।